मसीम, आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। और जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है वो है अहकाम अशरा, यानी कि 10 अहकाम। तो आज हम बात करेंगे 8वें हुक्म पर कि तू चोरी ना करना। गुज़श्ता हफ्तों से हम बात कर रहे हैं सारे हुक्मों पर, तो आज 8वें हुक्म पर बात करेंगे कि तू चोरी ना करना। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ आयात जो कलाम मुकद्दस में दर्ज हैं वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग लगता है, वहाँ चोर नकब नहीं लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। एक जगह और कलाम मुकद्दस में दर्ज है, क्योंकि जरदोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया गया, और उसके बाद हुक्म दिया गया कि तू चोरी ना करना, और कहा कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके अपने हाथों से मेहनत करके मोहताज को दे, इसलिए कि उसके पास कुछ हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम 8वें हुक्म से कि तू चोरी ना करना। जिस माशरे की बुनियाद डालने के लिए परवरदिगार आलम ने कौम का इंतखाब किया और उन्हें कुछ असूल बताए, और उन्होंने ये कहा कि एहतराम इंसानियत हो, दूसरों की जान का एहतराम हो, इज्जत का एहतराम हो, माल का एहतराम हो, और फिर कहा कि तू चोरी नहीं करना। जिस इब्रानी ज़बान में अगर इस लफ्ज़ का देखें तो जो ज़िक्र किया गया है वो है नागाब, और नागाब जो है वो चंद मकामात पर माल के लिए इस्तेमाल किया है, चंद जगह पर इंसानों के लिए इस्तेमाल किया है। और इस आयत के दो तर्जमे भी हो सकते हैं कि ये कि किसी का माल नहीं चुराना, किसी शख्स को अगवा नहीं करना। हम दोनों मफाहीम लेते हैं कि चोरी नहीं करना, किसी के माल पर कब्ज़ा नहीं करना, उसे भिखारी ना बना दो, माशरे में ज़िंदा रहने के काबिल ना छोड़, और दूसरा ये कि अगवा नहीं करना। लोग कहते हैं कि ठीक है कि तुम खून नहीं करना, हमने किसी आदमी या औरत को अगवा किया है लेकिन हमने उसको कत्ल नहीं किया। शरीयत ने ये कहा कि तुम किसी के साथ जिना नहीं करना, हमने ये इज्जत पर हाथ नहीं डाला, बस हमने उस लड़की को उठाया है, हम उसे उठाकर ले गए हैं, अगवा कर लिया है, जैसे हमारे मुतालबात पूरे हो गए हम उस लड़की को छोड़ देंगे, और देख लेना पूछ लेना किसी से भी कि हमने उसकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दी। लेकिन क्या हमारा माशरा उस लड़की को कबूल करेगा? क्या वो उस औरत को मार नहीं देगा या वो औरत ख़ुद को मार नहीं लेगी? तो ये अगवा करना भी कत्ल करने के मुतरादिफ है। उस लड़की से कभी कोई शादी नहीं करेगा अगर वो ज़िंदा रही। आपने उस लड़की को ज़िंदा दरगोर कर दिया अगवा करके, मर्द के अगवा करने की भी इजाज़त नहीं है। आज के माहौल में हम समझते हैं कि कानून का एक और मफहूम भी है, कि एक पहला मफहूम तो ये है कि किसी के माल को नहीं चुराना, किसी पर हाथ नहीं डालना, दूसरा मफहूम ये है कि किसी को अगवा नहीं करना, किसी को राह से पकड़ कर उठा कर नहीं ले जाना, तीसरा आजकल ये ज़रूरी है कि हाईजैक नहीं करना। अब इंसानों को वैसे उठाने की बजाय पूरा जहाज़ अगवा कर लेते हैं, लोगों को यरगमाल बनाकर अपने मुतालबात मनाने की कोशिश करते हैं। कलाम खुदा में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। आपका मकसद कितना अच्छा क्यों ना हो, आप उससे अच्छे से अच्छे मकासद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि ज़राए आपने गलत इस्तेमाल किए हैं इसीलिए वो बात जायज़ नहीं होती, अगर मुतालबात सही भी हों। मुतालबात मनवाने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी तरह से किसी जहाज़ को अगवा कर लें, किसी शख्स को अगवा कर लें और अपने मुतालबात मनवाने के लिए उन सबको यरगमाल बना लें, जबकि कलाम खुदा के नज़दीक ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। क्योंकि सिर्फ आप यही नहीं किया कि आपने लोगों को अगवा किया, बल्कि आपने उन लोगों की आज़ादी पर डाका डाला, उन लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, मालूम नहीं कौन मार दिया जाएगा और कौन बच जाएगा। इसके साथ साथ आप उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं, जब वो वापस जाते हैं तो क्या कुछ हुआ होता है, उनका दिमाग कितने दिन तक खामोश रहता है कि हमारे ऊपर गुजरी क्या है, वो सही तरीके से काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो अज़ियत उन्होंने सही होती है वो वही जानता है। आप उनको अज़ियत में मुब्तला करते हैं और कहीं भी कोई जवाब दिखाई नहीं देता कि आप उसका मतलब क्या था,
ये नहीं कि आपने किसी गलत नीयत से किया या अच्छी नीयत से किया, लेकिन आपने ज़राए गलत इस्तेमाल किए। मेरी मिन्नत ये है कि मैं गरीबों की मदद करूं, लेकिन मेरे पास ज़राए नहीं हैं, क्या मैं डाके डालकर उन लोगों की मदद करूं और ये कहूं कि मेरी नीयत तो साफ थी कि मैंने उनकी मदद की। क्योंकि हर जगह जुर्म के वक्त आपका मौजूद होना अदालत में दिखाई नहीं देता। ये गिने चुने लोग हैं जो हर मुकदमे में पेश होते हैं, इर्तकाब के वक्त पहुंच जाते हैं और अदालत इसके बारे में कुछ नहीं कहती। झूठी गवाहियां दे दे के वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करे चले जाते हैं, क्योंकि हम गवाही ऐसे पेश कर देते हैं कि जो झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि हम दूसरे की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो किसी भी सूरत हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, हम झूठी गवाही देकर उसको बचा लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी की जान ले लेते हैं, उनकी इज्जत के साथ खेल जाते हैं झूठी गवाही देकर। हमारे माशरे ने लोगों को तबाह कर दिया, क्योंकि जब तक हम झूठ का रास्ता इख्तियार करेंगे हम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, लेकिन आखरत अपनी ख़राब करते जाते हैं सिर्फ झूठ बोलकर, लोगों को अगवा कर कर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। हम इस बात को थोड़ा उल्टा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको कुछ यूँ देखें कि झूठी गवाही आपने दी, आपने अपने पड़ोसी, अपने साथी और किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया, उसने बुरा काम किया, आपने ये किया कि आपने चोरी या अगवा किया, तो ये उसका बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसकी इज्जत पर हाथ डाला, आपने उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, आपने उसे कत्ल कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान किसी को कत्ल करना, किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देना, किसी को अगवा करना, किसी की चोरी करना, ये हुक्म उदूली में शामिल होता है। तो बड़े जराइम से लेकर छोटे जराइम की तरफ आ रहे हैं कि खून नहीं करना, जना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देना। सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि जिसने अपने वालिदैन की इज्जत नहीं की उसने कत्ल किया, उससे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह अपने वालिदैन का एहतराम ना करना है। अब हम झूठी गवाही की तरफ आते हैं। आपने ये देखें कि आपने एक पाबंदी लगाई है, कहा है कि तुम्हें अदालत में गवाही नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देना, जुर्म होता है। देखो, आंखें बंद करके बैठ जाओ कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। पड़ोसी के घर में चोरी हुई तो हम किसी के झगड़े में क्यों आए? नहीं, गवाही नहीं देना आपका फ़र्ज है कि आप उस माशरे के फ़र्द हैं, माशरे में बुराई होती है, अगर आप देख रहे हैं तो उस बुराई को दूर करने की कोशिश करें, उसको साफ़ करने की कोशिश करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। वो इतनी नाजायज़ होगी जितनी नाजायज़ थी। नाम बदल देने से जवाज़ नहीं निकाला जा सकता। ये आम तौर पर अपनी दादागिरी या ये कह लें कि अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए जवाज़ ढूंढते हैं, तो कलाम खुदा में इसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। हर एक के लिए कि वो ये काम नहीं करे, किसी भी तरीके से करता है, गलत करता है। हमें यह हक नहीं पहुंचता कि हम चोरी करें, अगवा करें, हाईजैक करें, चाहे हमारे मकासद अच्छे ही क्यों ना हों, तरीक़ेकार गलत है, ये जुर्म है और परवरदिगार आलम इसकी कतन इजाज़त नहीं देता। परवरदिगार आलम हमें इस किस्म के जराइम से बाज रखे। शायद हम में इतनी हिम्मत ना हो कि हम हवाई जहाज़ अगवा कर लें, शायद हम में इतनी हिम्मत ना हो कि हम किसी इंसान का अगवा कर लें, लेकिन हम एक पैसे का माल भी किसी का चोरी करते हैं तो वो चोरी है कि हम दूसरों के घरों में जाकर डाके डालें। आप किसी के दफ्तर में काम करते हैं और जितना वक्त बताया गया है आप उतना वक्त काम नहीं करते लेकिन तनख्वाह पूरी लेते हैं, तो आप चोरी करते हैं। लेकिन अगर उसी काम के दौरान हम अपने सारे ज़ाती काम निपटाते फिरें तो ये भी चोरी में शामिल होता है। तनख्वाह पूरी लेते हैं तो आप ये भी चोरी करते हैं और आप ज़िम्मेदार हैं। तो परवरदिगार हमें हर किस्म की चोरी से, हर किस्म के अगवा से महफूज रखे। आमीन।